दरअसल समावेशी विकास की भागीदारी ने सांप्रदायिक वोटों की ठेकेदारी को कंगाल बना दिया है, दिवालिया बना दिया है। और जब समावेशी विकास की भागीदारी सांप्रदायिक वोटों की ठेकेदारी को कंगाल या दिवालिया बनाएगी, तो इसी तरह के बहके हुए, बिगड़े हुए, बेसुरे बोल सुनाई पड़ेंगे। क्योंकि आज अगर आप देखें तो चाहे अमर हो, चाहे अब्दुल हो, चाहे एंटोनी हो, वो समावेशी विकास का हिस्सेदार बन रहा है। और जब वो समावेशी विकास का हिस्सेदार बन रहा है तो जो लोग सांप्रदायिक वोटों की ठेकेदारी करते थे उनमें बौखलाहट और घबराहट स्वाभाविक रूप से दिखाई पड़ेगी। इसीलिए कोई याद कर रहा है रावण को कि सर को, तो कोई याद कर रहा है गब्बर सिंह के डायलॉग को। आज मुद्दा जो है वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं है बल्कि समावेशी सशक्तिकरण है। और इस रास्ते पे देश चल पड़ा है। जो लोग सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की दुकानें चला करके गरीबों का, कमजोर तबकों का, चाहे अमर रहे हों, चाहे अब्दुल रहे हों, चाहे एंटोनी रहे हों, उनके सशक्तिकरण का अपहरण करते रहे हैं, शोषण करते रहे हैं, वो एक्सपोज हुए, बेनकाब हुए हैं और आइसोलेट हुए हैं।